प्रेत, पिशाच। अक्सर आपने इन नामों का जिक्र फिल्मों या कहानियों में सुना होगा। इनके जिक्र मात्र से ही शरीर में एक थिरकन सी पैदा हो जाती है, भय की अनुभूति होती है। लेकिन क्या आपने कभी इनके अस्तित्व के बारे में जानने की कोशिश की? भूतों के अस्तित्व से जुड़ा सवाल हर किसी के मन में उन्हें जानने की एक जिज्ञासा पैदा कर देता है। लेकिन आज 21वीं सदी में ये बातें ना मानने वाले लोगों के लिए ये मात्र एक अंधविश्वास के अलावा कुछ भी नहीं। अगर भूत प्रेत जैसी अंधविश्वास वाली बातों को नकार भी दें तो भी पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी पर हर किसी को यकीन है। तो हम मान सकते हैं कि नेगेटिव एनर्जी जहां जमा हो जाती है वो जगह डरावनी दिखने लगती है, या कहीं तो वो बुताहा हो जाती है। मगर हम यहाँ कुछ ऐसे हॉन्टेड जगहों के बारे में आपको बताएंगे जहाँ लोगों ने उस डर को और उस डर से पैदा होने वाली थिरकन को महसूस किया है, जिसकी वजह से इन जगहों पर टूरिस्टों को जाने की पाबंदी है। शनिवार वाड़ा, पुणे। महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थित ये शनिवार वाड़ा है, जिसे शहर की सबसे भूतही जगह माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें अंदर से आवाजें सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकारती है। ये आवाज एक राजकुमार की है और आसपास के लोगों को उसके रोने की आवाज सुनाई देती है। 1828 में इस महल में आग लगी थी और महल का सबसे बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। वो आग कैसे लगी अभी तक ये रहस्य ही है। इस किले में 30 अगस्त 1773 की रात 16 साल के नारायण राव, जो कि मात्र 14 साल में मराठा साम्राज्य के पेशवा बने थे, उनकी षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। जब हत्यारे उनकी हत्या के लिए किले में घुसे तो नारायण राव खतरा भांपते हुए अपने कक्ष से भाग निकले और चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। इतिहासकार मानते हैं कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवाई थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात अब भी एक दर्द भरी आवाज उन्हें सुनाई देती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। ये आवाज उसी राजकुमार की है जिसकी हत्या करवाई गई थी और शनिवार वाड़ा में वो आज भी भटक रही है। दमास बीच। अरब सागर से लगा हुआ ये बीच सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये अपनी खूबसूरती के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ की रेत सफेद नहीं बल्कि काली होती है। इस बीच का इतिहास किसी राजा या रानी की प्रेम कथा से नहीं जुड़ा, लेकिन हाँ, लोगों का मानना है कि सदियों पहले यहाँ पर भूत प्रेतों ने अपना गढ़ बना लिया था, इसीलिए यहाँ की रेत काली हो गई। हाँ, एक बात जरूर जान लीजिएगा कि इस बीच से लगा हुआ शवदाह गृह है। यहाँ पर लाशें जलाई जाती है। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है या उनकी असमय मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर बसेरा कर लेती है। इसे भारत सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से हॉन्टेड घोषित किया जा चुका है। संजय वन। संजय वन दिल्ली का एक ऐसा इलाका जो कि पार्क कम और जंगल ज्यादा लगता है। कहा जाता है कि दिल्ली के इस जंगल में भूतों का राज है। इस जंगल में बहुत से पुराने बरगद के पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पर आने वाला हर शिकारी यही बताता है कि उन्होंने एक औरत को सफेद कपड़ों में बरगद के पेड़ के पीछे छिपते देखा है। सालों से लोग इस जगह को हॉन्टेड मानते आए हैं और कोई भी शाम के बाद यहाँ रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। भानगढ़ किला। राजस्थान में मौजूद भानगढ़ किले को दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं।
और आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाजत नहीं है। बताया जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी, जिसके स्वयंवर की तैयारियां चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा नाम का था, जो राजकुमारी को पाना चाहता था, लेकिन यह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा ने राजकुमारी की दासी, जो कि राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लेने बाजार गई थी, उसके तेल को जादू से सम्मोहित कर दिया। राजकुमारी रत्नावती के हाथ में वो तेल एक चट्टान पर गिर गया। वह चट्टान तांत्रिक सिद्धू सेवड़ा की तरफ लुढ़की और जिसके कारण उसकी मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वो दोबारा कभी जन्म नहीं लेंगे, और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक की मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से बच नहीं पाई और उनकी भी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहाँ मौत की चीख गूंज गई, और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। दार्जिलिंग डाउ हिल। कुछ लोगों की मान्यता अनुसार अंग्रेजी में कर्स का मतलब श्राप होता है। इसी कर्स शब्द के कारण इस जगह का नाम कुर्सियांग यानी शापित जगह पड़ा। कुर्सियांग का स्थानीय नाम खरसांग है, जिसका मतलब होता है सफेद ऑर्किड की भूमि। कुर्सियांग मुख्यतः अपने बोर्डिंग स्कूलों और पर्यटन के लिए जाना जाता है, पर कुर्सियांग से लगती हुई डाउ हिल से एक भयानक मान्यता जुड़ी हुई है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह बताना मुश्किल है। कहते हैं कि डाउ हिल के जंगलों में बड़ी संख्या में आत्महत्याएं हुई है। इस जंगल में इधर उधर इंसानों की हड्डियां दिखाई देना आम बात है, इसलिए ही इसे हॉन्टेड माना जाने लगा। यहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार दिसंबर से मार्च तक की छुट्टियों के दौरान उन्हें विक्टोरिया बॉयज स्कूल में पैरों की आहट सुनाई देती है। कुछ की मान्यता अनुसार एक लकड़हारे ने रात में एक युवा लड़के की सरकटी लाश को घूमते देखा, जो कुछ दूर जाकर पेड़ों में गायब हो गई। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार रात के समय डाउ हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रण देना है।